हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज फ्रेंकी रोल। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। चलिए इनको हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा लिया, दोनों को सेम मेजरमेंट से लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम एक डो तैयार करेंगे रोटी के लिए। दोनों आटों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 2 चम्मच देसी घी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और पानी की हेल्प से इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम चपाती के लिए करते हैं। ये नॉर्मल आटे की तरह मैंने इसको गूंथ लिया है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको एक कॉटन के कपड़े, गीले कपड़े से इसको कवर करके रख देंगे। चलिए अब हम इसकी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें 2 चम्मच घी लेंगे। मैंने आप अपनी पसंद से ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सब्जियां ली हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा पनीर भी लिया है मैंने और सभी सब्जियों को मेन चॉप कर लिया है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को 5 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज पक जाएगा 5 मिनट में। उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और कैसे भी काट सकते हैं आप। इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और ये कॉर्न को मैंने 5 मिनट के लिए पानी में अच्छे से उबाल लिया था, फिर इसको इसमें ऐड करा है। और सभी सब्जियों को डाल के इसमें हम अच्छे से पकाएंगे और 5 मिनट पकने के बाद इसमें हम पनीर को भी ऐड कर देंगे। ये सभी सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें पनीर को भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। और इसको अच्छे से पक जाने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले लिया है मैंने काली मिर्च पाउडर, जो 2 चम्मच मैंने छोटी ऐड किया है। फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप अपनी पसंद से अगर मिर्च नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है, इसको भी मैंने 1 चम्मच में ऐड किया है। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इनको भी हम तेज आंच पे भून लेंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए हमारा डो सेट हो गया है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी लोइयां बना के पराठे तैयार कर लेंगे। नॉर्मली ऐसे हम रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से डो बना के आप चाहे जितने बड़े छोटे बना सकते हैं। ये मैंने रोटियां बना ली हैं, अब इनको हम तवे पे सेक लेते हैं। तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें हम पराठे को तैयार करके इस पे डालेंगे। इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें हम हल्का हल्का ऑयल या घी जो भी आप खाते हैं उसको हल्का हल्का ग्रीस करके दोनों तरफ से अच्छे से दबा दबा के इसको अच्छा सा सेक लेंगे, पका लेंगे पूरी तरह से। ये अच्छे से पक गया है हमारा पराठा और हम बाकी भी पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सभी पराठों को हम अच्छे से सेक लेंगे। अब मैंने ये पराठा सेक लिया है, इसके ऊपर हम वेज मेयोनीज लगाएंगे और 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लेके दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसके चारों तरफ से अच्छे से फैला के इसको ग्रीस कर देंगे जिससे सारे में ये अच्छे से फैल के लग जाए। अब इसमें मैंने जो सब्जियाँ तैयार करी थी उनको हम 1 से 2 चम्मच डाल के इनको अच्छे से एक साइड में बीच में अच्छे से रैप करेंगे, जिससे ये बीच में रख के सब्जियों को। फिर इसमें हम थोड़े से सैलड डालेंगे। सैलड में मैंने प्याज लिया है महीन महीन और खीरा भी ऐड किया है इसमें। आप अपनी पसंद के कोई भी सैलड इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया से मैंने इसको गार्निश करूँगी और फिर इसमें मैं हरा धनिया की चटनी को भी इस पर अच्छे से फैला के लगा दूँगी। आप अब सॉस खाते हैं तो उसमें आप सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस पर मैंने चटनी लगा दी है। अब इसको हम तो एक साइड से पकड़ के ऐसे टर्न करेंगे, फिर इसकी दूसरी साइड को भी पकड़ के हम अच्छे से मोड़ लेंगे। अब इसको हम फूड पेपर से रैप करेंगे और नीचे से भी अच्छे से फोल्ड कर देंगे जिससे इसकी फिलिंग लीक ना हो। अब इसको हम हरा धनिया और सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए।